कीर्ति सुरेश साउथ इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इस वीडियो में कीर्ति सुरेश से जुड़े अननोन फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कीर्ति सुरेश अपनी मूवीज में हमेशा ऐसे ट्रेडिशनल लुक्स में क्यों दिखाई देती है, जबकि अदर साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस अपनी मूवीज में वेस्टर्न लुक्स में दिखाई देती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर वन, कीर्ति सुरेश का जन्म 17 अक्टूबर 1992 को चेन्नई हुआ। कीर्ति सुरेश एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। नंबर टू, कीर्ति सुरेश के पिता का नाम सुरेश कुमार है, जो कि साउथ इंडियन मूवीज के एक फेमस डायरेक्टर हैं, और इनकी माता का नाम मीनका है, जो कि 90s में साउथ इंडियन की टॉप एक्ट्रेसेस थी। नंबर थ्री, कीर्ति सुरेश की एक बहन है जिसका नाम रेवती है, और ये मूवीज में VFX स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करती है। नंबर फोर, कीर्ति सुरेश ने अपनी स्टार्टिंग स्टडी केंद्रीय विद्यालय तिरुवनंतपुरम से कंप्लीट की हुई है, और इन्होंने अपनी कॉलेज स्टडी पल्स अकेडमी चेन्नई से कंप्लीट की हुई है, और कीर्ति सुरेश के पास फैशन आर्टिस्ट की डिग्री है। नंबर फाइव, कीर्ति सुरेश ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी पहली मूवी साल 2000 में की थी, जिसका नाम पायलट था। नंबर सिक्स, कीर्ति सुरेश ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एज ए लीड एक्ट्रेस साल 2013 में आई हॉरर मूवी गीतांजलि से की थी। नंबर सेवन, इनकी पहली तेलुगु मूवी साल 2014 में आई, जिसका नाम रिंग मास्टर था, और इसके बाद कीर्ति सुरेश की मूवी साल 2015 में आई, जिसका नाम रजनी मुर्गन। साल 2016 में इनकी दो मूवीज आई, रेमो और नैनू शैलजा। साल 2017 में इनकी दो मूवीज आई, जिनका नाम भैरवा और नैनू लोकल है, और साल 2018 में इनकी फिल्मी करियर की सबसे बड़ी मूवी आई, जिसका नाम महंती है। नंबर एट, कीर्ति सुरेश को महंती मूवी में इनकी दमदार एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर नाइन, और इनकी जल्दी महेश बाबू के साथ एक और नई मूवी रिलीज होने वाली है। नंबर टेन, कीर्ति सुरेश से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप अपनी मूवीज में इसी तरह ट्रेडिशनल लुक्स में ही दिखाई देंगी, जिस पर कीर्ति सुरेश ने जवाब दिया कि वो अपनी मूवीज में कभी भी इंटीमेट या कोई भी ऐसा सीन नहीं करेंगी जिससे उनकी इमेज खराब हो, और वो अपनी मूवीज़ में हमेशा ही ट्रेडिशनल लुक्स और इंडियन कल्चर में ही दिखाई देगी। इस इंटरव्यू के बाद कीर्ति सुरेश ने साफ कर दिया कि वो अपनी मूवीज़ में कभी भी इंटीमेट या कोई भी ऐसा सीन नहीं देंगी जिससे उनकी इमेज खराब हो। ये थे कीर्ति सुरेश से जुड़े फैक्ट्स। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और कीर्ति सुरेश का कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को इमीडिएट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।